स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार, बीसीसी कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक को बताने जा रहे हैं, कल बताए थे वित्त से संबंधित कुछ सवालों के बारे में, आज जो है कुछ वही हिसाब को पुनः हम रिपीट करने के लिए जा रहे हैं, जैसे दूसरा हिसाब में से, जैसे लिखा हुआ है सवाल नंबर 4। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ज्ञात कौन सी करना है, परिधि ज्ञात करना। सबसे पहले ये चित्र बना लेते हैं, ये चित्र है, वृत्त है, इसमें से त्रिज्या दिया गया, यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कौन सी करना है, परिधि, इसका किनारा जो है, परिधि परि मतलब किनारा, यही किनारा का मान जो है कितना लंबाई है यही ज्ञात करना है। तो परिधि को ज्ञात करने के लिए परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि, परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, तो 2 फॉर्मूला से होता है, पाए का मान जनरेट करते हैं कितना होगा 22/7, और r का मान कितना है यहां 7, ये 7 लिख दिए, ये 7 को कटा देंगे कितना बच गया 2×22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2×2 = 4, 2×2 = 4, ये क्या हो गया सेमी, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया परिधि। फिर नेक्स्ट हिसाब में चलते हैं, अब चलते हैं सवाल नंबर 5। जैसे लिखा रहेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल हल व्यास एवं परिधि ज्ञात करें। कभी कभी ऐसा होता है एक त्रिज्या दिया हुआ रहने पे बहुत से चीज को एक ही हिसाब में ज्ञात करना पड़ता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ ये याद रखना है, केवल खाली फॉर्मूला का उपयोग करना, एक ही चीज को ज्ञात करना, जैसे इसमें से त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या का ऐसे चित्र बना करके आकृति में से ये दिया है त्रिज्या, आर कितना दिया गया है 14 सेमी, ये सीएम लिखा है सीएम लिख देते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, उसके बाद व्यास ज्ञात करने के लिए, उसके बाद परिधि ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², तो पाए का मान कितना 22/7 रखेंगे, r का मान 14, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, इसको 2 बार लिखेंगे 22/7×14×14 लिख दिए, ये 7×14 कट गया, अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22×14×2, तो पहले क्या करते हैं गुना करके 22×2 करते हैं 44 हो गया, 44×2 क्या करेंगे 14 करेंगे, फिर कहीं से भी किसी प्रकार से गुना कर सकते हैं, तो हम जितना जिस प्रकार से आसानी लगता है उसी प्रकार से गुना कर सकते हैं, तो 14×56 14 फिर से क्या करेंगे 14×2 कर देंगे, कहते हैं 14×56, इसको जोड़ते हैं 6, 6×5=11, 1×5=6, ये क्या हो गया C।
सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। अब ज्ञात कौन सी करना है, व्यास ज्ञात करना। व्यास ज्ञात करने का फॉर्मूला, व्यास बराबर क्या सूत्र होता है, टू गुना त्रिज्या, टू गुना त्रिज्या। तो टू फॉर्मूला से गुना त्रिज्या का मान कितना, 14 रख दिए, 14 × 28 सेमी, ये त्रिज्या हो गया। अब कौन सी ज्ञात करने बोलता है, परिधि, परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का परिधि, परिधि बराबर सूत्र होता है क्या, 2πr। तो टू फॉर्मूला से पाई का मान कितना, 22/7 रखेंगे और त्रिज्या कितना है, 14, तो 7 × 14 2 हो गया, 22 × 44 गुना करेंगे, 2 × 22 × 2 22 × 44 44 × 88 ये सेमी हो गया। ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि। इसमें तीनों हिसाब क्लियर रूप से बन गया।